नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईद उल फितर के अवसर पर समुचित देश के साथ मौगन जिले सहित पूरे अंचल में मुस्लिम संप्रदाय के लोग एक दूसरे से गले मिलकर देश समाज में सुख शांति की दुआ मांगी। ईद के त्योहार को लेकर स्थानीय ईदगाह में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की एवं एक दूसरे को गले लगकर बधाइयां दी। तो वही ईदगाह के जन प्रतिनिधियों सहित अन्य समाज सेवियों ने नमाज पूर्ण होने के बाद सभी आपसी भाईचारे के साथ गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। जामा मस्जिद नईघरी के इमाम हाफिज मोहम्मद फैज साहब की अगुवाई में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नमाज अदा की। साथ ही मुल्क की खुशहाली के लिए एक साथ हजारों हाथ उठाकर लोगों ने अमन और चैन की दुआ मांगी। कलेक्टर मौगंज अजय श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के नेतृत्व में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में सभी अधिकारियों ने सहयोग किया। मुस्लिम धर्मावलंबियों, समाज सेवियों, देव प्रशासन के बेहतर सहयोग की सराहना की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम रहा कि सभी लोगों ने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और उसके बाद ये ईद का दिन, जो खुशी का दिन कहा जाता है, एक दूसरे से लोग मिलकर एक दूसरे को खुशी की बधाई देते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत और शफ़क़त के साथ एक दूसरे से गले मिलते हैं। भाईचारगी का पैगाम दिया जाता है कि जिस जगह, जिस मुल्क में, जिस हिस्से में, ज़मीन के किसी हिस्से में आप हों तो एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, अमन शांति का पैगाम दें और एक दूसरे के साथ भाईचारगी की ज़िंदगी गुजारें। मुल्क के अमन शांति के लिए यही तहे दिल से दुआ है कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अमन शांति का पैगाम दें और सभी लोगों ने एक साथ मिलकर नमाज़ें अदा की और एक दूसरे को ईद की बधाई दी गई, खुशी का पैगाम बांटा गया और तमाम तरह के लोग, जो हर धर्म के लोग, एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है और मुल्क की अमन शांति के लिए दुआ की गई कि वो मालिक हम सब के मुल्क में अमन शांति नसीब फरमाए।